नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का आगाज 14 जनवरी को होने वाला है। दोस्तों दोनों टीमें काफ़ी खतरनाक टीमें हैं और दोस्तों दुनिया की यानी कि वर्ल्ड की सबसे खतरनाक टीमों में से इन दोनों टीमों का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले की कि कौन सी टीम के साथ उतरने वाले हैं विराट कोहली, क्या प्लेइंग 11 रहेगी भारत की, और साथ ही बताएंगे दोस्तों दोनों टीमों के खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में जो कि इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाजों की, जिनमें नाम आता है दोस्तों मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस का। दोनों दोस्तों दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं और इस समय दोनों की फॉर्म काफ़ी शानदार है, और दोस्तों इन दोनों का सामना भारतीय बल्लेबाजों से होने वाला है जो कि देखना काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जहाँ ये दुनिया के नंबर वन गेंदबाजों में से एक है तो वहीं पर दुनिया के नंबर वन बल्लेबाजों में गिने जाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली से इनका मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों ये टक्कर काफ़ी ज़ोरदार रहने वाली है, क्योंकि जहां मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों के सामने होंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज, तो इनके बीच कौन जीतता है मुकाबला ये देखना काफ़ी रोमांचक होने वाला है इस सीरीज में। तो दोस्तों एक बड़ी टक्कर तो यहाँ पर यह देखने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करें भारतीय गेंदबाजों की, तो भारतीय गेंदबाजों का सामना भी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाजों से, जिनमें नाम आता है दोस्तों डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कप्तान एंड फिंच। इन खिलाड़ियों के सामने दोस्तों काफ़ी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि ये सामना करेंगे भारतीय गेंदबाजी या फिर दुनिया के सबसे बेस्ट यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह का, जिनका सामना करना इनके लिए आसान नहीं होगा। साथ ही जसप्रीत बुमराह के साथ होंगे मोहम्मद शमी, और स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों का सामना ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को करना है जो कि कतई आसान नहीं रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11, किन किन खिलाड़ियों को विराट कोहली यहां पर पहले वनडे मुकाबले में मौका देने वाले हैं 2020 की धमाकेदार शुरुआत के लिए और इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग की, तो यहां पर उतरने वाले हैं रोहित शर्मा और उनके साथ होंगे केएल राहुल या फिर शिखर धवन। इसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 3 की, तो विराट कोहली, 4 पर सुरेश अय्यर और 5 पर ऋषभ पंत उतरने वाले हैं। नंबर 6 की बात करें तो रविंद्र जडेजा, 7 पर केदार जाधव उतरेंगे, दोनों ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजों की बात करें तो 8 पर कुलदीप यादव, 9 पर मोहम्मद शमी, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11 पर शार्दुल ठाकुर या फिर नवदीप सैनी में से कोई एक उतरने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी भारत की प्लेइंग 11 आपको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और साथ ये भी बताएँ कि किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए और साथ कौन जीतेगा पहला 2020 का वनडे मुकाबला। अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।